नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का बुक चल रहा है और यह बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और नेट आदि के लिए, जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो भाई सीधे शुरुआत करते हैं और यह भाग 11 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक जरूरी सूचना और देना चाहूँगा कि 5500 वर्ड लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, बिल्कुल ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 5500 वर्ड लाइनर क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के हैं, तो उसमें बहुत ही बढ़िया है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट आदि के लिए। तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करेंगे तो आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है पेमेंट करने में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, आपकी जो भी सहायता हो जाएगी होगी वो हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटन नोट्स तैयार है, पूरा का पूरा, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ तक कि क्लासिक से लेकर 12th तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स, बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल विशेषकर टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, तो कौन सुमिलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, सुमिलित है। हड़प्पा सभ्यता का जो तट नगर है वह है लुथल, सुमिलित है। सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल हड़प्पा, कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, तो यही जो है आपका सुमिलित नहीं है, विकल्प डी जो है सुमिलित नहीं है। हालांकि देखा जाए तो विकल्प सी भी सुमिलित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा काल का जो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है वह मोहनजोदड़ो है, लेकिन उस हिसाब से विकल्प डी जो है वो सही है। हालांकि सी और डी दिया है, तो वही मैं बोला हूँ कि सी और डी दोनों सुमिलित नहीं है। सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो है, अतः विकल्प सी सही है, सही सुमिलित नहीं है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, न कि काले रंग का बर्तन, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 77 देखिएगा, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह कालीबंगा से है। पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया 2013 में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य मिला है, एक साथ दो फसलें उगाते थे कालीबंगा के लोग। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों के बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा में भवन जो है, देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो भवन है पक्की ईंटों के बने हैं, जबकि कालीबंगा में जो भवन है वह कच्ची ईंटों के बने हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 78 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 79 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो वह था लुथल, लुथल जो है गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का स्थल लुथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लुथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लुथल भोगवा एवं साबरमती की नदी के संगम पर स्थित है। लुथल के पूर्वी भाग में स्थित भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य, मतलब बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है, फारस की खाड़ी की जो मुद्रा है वह बेलनाकार है। प्रश्न 80 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो वह है अन्नागार है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 81 देखिएगा, इसका व्याख्या भी दे सकते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है या अन्न कोठार है। इसकी जो अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई है 45 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, अन्नागार 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल अन्नागार है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, मतलब 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा यह है। कभी कभी फीट में भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। मार्शल ने विशाल अन्नागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया, तो मार्शल जो पुरातत्वविद थे उन्होंने महान अन्नागार को तत्कालीन विश्व का एक विशाल आश्चर्यजनक निर्माण बताया। मोहनजोदड़ो के यचार क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। प्रश्न 81 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल भारत में क्या है, वह है राखीगढ़ी। और वर्तमान जो अनुसंधान हुए हैं उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वह राखीगढ़ी है। हालांकि ज़्यादा मोहनजोदड़ो ही माना जाता है, लेकिन तत्काल अनुसंधान में यह जानकारी मिली है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद यह कहा गया है, लेकिन
तत्कालीन अनुसंधान में यह राखी गढ़ी को माना गया, लेकिन हालांकि अब प्रश्न पत्रों में मोहनजोदड़ो ही माना जा रहा है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल क्या है? धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु पुरा स्थल महानगर माना जाता है? तो वह है राखी गढ़ी। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? कौन शासन करता था हड़प्पाकालीन नगरों पर? तो शासन व्यवस्था अज्ञात थी, कोई जानकारी नहीं हड़प्पा में कौन शासन करता था, राजा शासन करता था या पुरोहित राजाओं का शासन था या व्यापारियों का अल्पतंत्र शासन था या फिर सैनिक तंत्र था, कौन सा यह अभी जानकारी नहीं है। तो TGT परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया है। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी है। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब बनियों के हाथ में था ऐसा माना जाता है, क्योंकि व्यापारिक काम ज़्यादा हड़प्पा में होते थे। प्रश्न 84 देखिएगा, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो वह मिलता है हड़प्पा काल से। स्वास्तिक चिन्ह जो है वह हड़प्पा काल की देन है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूँ कि स्वास्तिक चिन्ह जो है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों का एक पवित्र सांकेतिक चिन्ह है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों, मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिलते हैं। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनों में समान रूप से पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये भूत, प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पुरास्थलों में बहुत सी अग्निवेदियाँ मिली हैं, यानी अग्निकुंड मिले हैं। तो गुजरात में लोथल से अग्निकुंड मिला है और राजस्थान के कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। हालांकि बनावली जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार में, वहां से कुछ मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादातर यह जानकारी है कि मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रश्न 85 देखिए, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है, विकल्प डी जो है सही है। BGT परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अवशेष अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। आमरी से 12 सिंगा साच मिले हैं। आमरी जो है हड़प्पाकालीन एक स्थल है, जो यह पाई जाती है, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी किनारे है आमरी, और यहाँ से 12 सिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, और भी बहुत सारा चीज़ मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी का छड़ प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपत जोशी ने किया था। प्रश्न 86 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से, विकल्प ए। प्रश्न 87 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं? घोड़े की हड्डियाँ जो मिली हैं सुरकोटदा से मिली हैं। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 88 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा स्थल माना जाता है? तो वह माना जाता है लोथल। PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, यह सिंधु और हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं यहाँ पर, देख लीजिए। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगाई कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चिन्हधुड़ो की भांति मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न 89 देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो यह निर्माण देता है चिन्हधुड़ो से। चिन्हधुड़ो सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहाँ से मनके निर्माण के कारखाना मिले हैं। चिन्हधुड़ो से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। तो UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 90 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से कौन एक धोलावीरा में स्थित है? धोलावीरा नामक नगर है, यह हड़प्पा सभ्यता का एक तत्कालीन बड़ा नगर था धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, विकल्प डी जो है आपका सही है। PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है।
इस स्थल की खोज 1967-68 में जगपत जोशी ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धोलावीरा का नगर जो है आयताकार है, धोलावीरा का जो नगर है वह आयताकार है। यह नगर तीन भागों में विभक्त है, किला, मध्यम नगर और निचला नगर, यह तीन भागों में विभक्त है यह पूरा नगर, यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। धोलावीरा का जल प्रबंधन जो है अद्वितीय है। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड और मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त पीडीएफ है। और हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटन नोट्स तैयार है, जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। और घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा का पूरा मोटा बुक मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त। अगर इस पूरे बुक को अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी नेट के लिए समझिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आप लोगों के लिए, चाहे कोई भी टीजीटी पीजीटी हो और कोई भी नेट हो हिस्ट्री का, मैं हिस्ट्री के विषय की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोगों को।